Hello students, welcome to my channel. I am Dr. Khushwant Kaur and I will be your instructor for this video. This video is for B.Ed students on the course Language Across the Curriculum, and the topic covered in this video is Multilingualism. The topics which will be covered in this video are listed below. Let's begin with the topic Multilingualism. पिछले वीडियोस में हमने लैंग्वेज डाइवर्सिटी और उसके क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जाना तथा इंक्लूसिव एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करके इन प्रभावों को कैसे कम किया जा सकता है इसके बारे में भी चर्चा की। आज हम इस वीडियो में मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में चर्चा करेंगे तथा इससे क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर पड़ने वाले प्रभावों व उन्हें किस प्रकार से कम किया जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम मूलतः बहुभाषी हैं। भारत जैसे बहुभाषी देश में हमें अपनी बात बाकी लोगों तक पहुंचाने के लिए और उनके साथ संवाद करने के लिए एक भाषा से दूसरी भाषा के बीच आवाजाही करनी ही पड़ती है। एक से अधिक भाषाओं के प्रति सम्मान का भाव और मूलतः एक से अधिक भाषाओं के इस्तेमाल के विचार को स्वीकार करना और उसे रोजमर्रा के जीवन में स्थान देना ही सही मायने में मल्टीलिंगुअलिज्म या बहुभाषिता है। बच्चे की घर की भाषा स्कूल की भाषा से यूजुअली अलग होती है। बच्चे स्कूल में एक भाषा बोलते हैं, घर पर दूसरी भाषा बोलते हैं, दोस्तों के साथ किसी अन्य भाषा में बातचीत करते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सी अन्य भाषाओं में बोलते कम हैं, परंतु उसमें लिखने पढ़ने का काम करते हैं, जैसे इंग्लिश। अतः बच्चों को मातृभाषा सीखने के साथ साथ इंग्लिश भी सीखना जरूरी होता है। अतः किसी भी व्यक्ति का दो या दो से अधिक भाषाओं को सीखना बहुभाषी होना कहलाता है। हार्ट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म के अंतर्गत हम देखते हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म सभी भाषाओं की रेस्पेक्ट करने तथा उन्हें अप्रिशिएट करने से संबंधित है। मल्टीलिंगुअलिज्म यह अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है कि भाषाओं का विकास एक दूसरे की कंपनी में ही होता है। मल्टीलिंगुअलिज्म सेंस ऑफ आइडेंटिटी को डेवलप करने से संबंधित है। मल्टीलिंगुअलिज्म होम लैंग्वेज और मदर टंग की सिग्निफिकेंस पर जोर देता है तथा सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में फर्स्ट लैंग्वेज या होम लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को भी दर्शाता है। अतः मल्टीलिंगुअलिज्म टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूसिव एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस पर जोर देता है, जिसमें मल्टीलिंगुअलिज्म को एज ए रिसोर्स माना जाना चाहिए। टाइप्स ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म दो प्रकार का है, इंडिविजुअल मल्टीलिंगुअलिज्म, सोसाइटल मल्टीलिंगुअलिज्म। इंडिविजुअल मल्टीलिंगुअलिज्म किसी भी व्यक्ति की दो या दो से अधिक भाषाओं को अपने जीवन में उपयोग में लाने से संबंधित है, जिसमें उसके उन लैंग्वेजेस पर मास्टरी, उनका सही तरीके से प्रयोग तथा उन भाषाओं को बोलने, लिखने तथा समझने की योग्यता शामिल है। सोसाइटल मल्टीलिंगुअलिज्म तीन या चार भाषाओं की समाज के कुछ लोगों द्वारा या पूरे समुदाय की प्रैक्टिसेस एंड हैंडलिंग से संबंधित है, जो ये दर्शाती है कि उस समाज में तीन या तीन से अधिक भाषाओं को बोलने का प्रचलन है। मल्टीलिंगुअलिज्म इन क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग चैलेंजेस। मल्टीलिंगुअलिज्म के कारण क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इसके लिए अब हम डिस्कस करेंगे। भारत एक बहुभाषी देश है तथा यहाँ पर विभिन्न भाषाएं बोलने का चलन है। इस बहुभाषी स्थिति के कारण बच्चे विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, क्योंकि घर में रहते हैं तो घर की भाषा बोलते हैं और स्कूल जाते हैं तो उन्हें स्कूल की भाषा बोलनी पड़ती है। परंतु बच्चे की मूल भाषा पर ध्यान दिए बिना स्कूल भाषाओं का उपयोग करता है। इसके कारण बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है, ना तो वो स्कूल की भाषा ठीक से बोल पाते हैं और ना ही अपनी भाषा को ही ठीक से व्यक्त कर पाते हैं।
तथा बच्चों में एक कंफ्यूजन की स्थिति हमेशा बनी रहती है। कभी कभी टीचर्स का भी मल्टीलिंगुअलिज्म के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहता है, उनमें लैंग्वेजेस को लेके कभी कभी बायसनेस भी देखी जाती है, परंतु शिक्षकों को मल्टीलिंगुअलिज्म के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की आवश्यकता है। यदि मल्टीलिंगुअलिज्म को एक प्रॉब्लम सोच के माना जाएगा तो वह बच्चों के एकेडमिक परफॉर्मेंस में बाधक बनेगी। यदि उसे रिसोर्स के रूप में माना जाएगा तो वह बच्चों के एकेडमिक परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। टीचर्स को हमेशा तैयार रहना चाहिए मल्टीलिंगुअलिज्म से रिलेटेड चैलेंजेस को लेकर। टीचर्स को हमेशा मल्टीलिंगुअलिज्म का उपयोग करके बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करने की स्ट्रेटजीज के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। बच्चों की होम लैंग्वेज और स्कूल लैंग्वेज हमेशा एक सी नहीं होती है, अतः शुरुआती वर्षों में बच्चे की मूल भाषा का उपयोग करना ही हमेशा बेहतर होता है। इसीलिए मल्टीलिंगुअलिज्म रिसोर्स के रूप में लिया जाना चाहिए। स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज टू यूज मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट एज अ रिसोर्स इन द क्लासरूम। मल्टीलिंगुअलिज्म के कारण जो चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके दूर करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जा सकती हैं, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लर्नर्स को अपनी भाषाओं में बोलने की अनुमति देना चाहिए। विभिन्न भाषाओं को सुनने के लिए लर्नर्स के बीच एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए। क्लास में एक मल्टी लैंग्वेज फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाया जाना चाहिए, जिससे अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लर्नर्स एक दूसरे के साथ विचारों का विमर्श कर सकें। टीचर्स को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी भाषाएं महत्वपूर्ण हैं और समान रूप से सुंदर हैं, अतः सभी भाषाओं को सम्मान दिया जाना चाहिए, जिससे बच्चों में यह फीलिंग डेवलप हो सके कि हमारी भाषा भी इक्वली इम्पॉर्टेंस रखती है। लर्नर्स को अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड स्टोरीज को शेयर करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, जिससे सभी लर्नर्स एक दूसरे की कम्युनिटीज के बारे में जान सकें। साइंस एंड सोशल साइंस की क्लासेस में विभिन्न समूहों की संस्कृतियों और भाषाओं के बारे में अधिक जानने और साझा करने का एनवायरनमेंट बनाया जाना चाहिए। एक दूसरे की भाषा को सीखने के लिए लर्नर्स के बीच इंटरेस्ट डेवलप किया जाना चाहिए। लर्नर्स के द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित न्यूज़पेपर्स और जर्नल को टीचर्स को कलेक्ट करना चाहिए तथा उसकी संस्कृति के बारे में भी जानकारी ली जानी चाहिए। यदि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तब भी यदि बच्चे अपनी भाषा में किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो टीचर को उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके साथ ही साथ उसके सही उत्तर देने पर उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। यदि लर्नर्स स्कूल लैंग्वेज बोलने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं तो उन्हें कभी भी उस चीज के लिए शर्मिंदा नहीं किया जाना चाहिए। यदि उन्हें दिक्कत आ रही है स्कूल लैंग्वेज बोलने में तो उन्हें अपनी ही भाषा में उत्तर देने के लिए एनकरेज करना चाहिए। यदि बच्चे अपनी भाषा में किसी भी तरह की लेखनी अगर टीचर को दिखाते हैं तो बच्चों को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए तथा उन्हें एनकरेज भी करना चाहिए कि आप इंग्लिश में लिखिए या अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखिए। अतः मल्टीलिंगुअल क्लासरूम स्टूडेंट्स के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। लर्नर्स की वोकैबुलरी को बढ़ाने में भी मल्टीलिंगुअलिज्म बहुत हेल्पफुल है। अलग अलग भाषाओं के परिवेश से आए हुए लर्नर्स को उनकी मातृभाषा के अलावा कई भाषाओं का ज्ञान भी मिलता है। टीचर्स द्वारा विभिन्न भाषाओं या शब्दों के प्रयोग से सभी लर्नर्स टीचर्स की बातों को अच्छे से समझ पाते हैं और टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस बहुत ही इफेक्टिव होता है। यदि लर्नर्स की मदर टंग या होम लैंग्वेज के शब्दों का प्रयोग शिक्षण में किया जाए तो लर्नर्स सब्जेक्ट्स को बहुत जल्दी समझ जाते हैं।
मल्टीलिंगुअल क्लासरूम के अंतर्गत लर्नर्स अपनी मदर टंग में उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे पाते हैं जिनका आंसर उन्हें स्टैंडर्ड लैंग्वेज और स्कूली लैंग्वेज में देने में कठिनाई होती है। इंक्लूसिव एनवायरनमेंट मिलने के कारण लर्नर्स अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर पाते हैं जिससे उनकी ओरल स्किल्स डेवलप होती हैं। अतः मल्टीलिंगुअलिज्म के कारण लर्नर्स की मातृभाषा की अवहेलना किए बिना स्टैंडर्ड लैंग्वेज की शिक्षा दी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।